नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंगीला 2.0 कवाज में। एक फोर व्हीलर वाहन बोलेरो गाड़ी गंगा नदी में कूदने से पूरा परिवार ध्वस्त। पिछले कई वर्ष पुराने यह घटना आखिर सुर्खियों में आज क्यों? अब समाचार विस्तार से। बिहार के भागलपुर जिला सुल्तानगंज से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर कमरगंज दुर्गास्थान के सामने NH-80 से एक बोलेरो गाड़ी फोर व्हीलर वाहन गंगा नदी में कूदने से एक ही परिवार के लगभग 6-7 व्यक्ति की मौत। लगभग पिछले कई वर्ष पहले यह घटना हुआ था। आखिर इस घटना को लेकर आज सुर्खियों में कैसे आया? जंगीरा कमरगंज के स्थानीय नौका चालक ने इस घटना को सही ठिकाना लगाने में कैसे सफल रहा? हमारे संवाददाता और कई अन्य सूत्रों के मुताबिक से यहाँ के स्थानीय नौका के पंखी में फोर व्हीलर वाहन बोलेरो गाड़ी सामने वाला शीशा कांच के रबर किसी तरह पंखी में फंस गया, जिसके कारण से घंटों भर फंसे रहा किसान मजदूर समेत नौका चालक। स्थानीय व्यक्तियों में हंगामा मचा सुर। स्थानीय पुलिस प्रशासन को इन बातों को सूचना मिलने पर घटना स्थल पर गोताखोर टीम के साथ पहुंचा। गोताखोर टीम के द्वारा लगभग 10 फीट पानी के अंदर जाकर के गाड़ी में तार रस्सी बांधकर गंगा नदी से बाहर किया। इन फोर व्हीलर वाहन बोलेरो गाड़ी के अंदर लगभग 6-7 कंकाल मुर्दा के हड्डी मिला है। मुर्दा कंकाल हड्डी समेत फोर व्हीलर वाहन गाड़ी का होगा पोस्टमार्टम कार्बन के 14 विधि से पता चलेगा कि यह गाड़ी वाहन पानी में कब डूबा है, कितने साल पुराना घटना है और इस गाड़ी के नंबर प्लेट एवं चेचिस नंबर से पता चलेगा यह गाड़ी कहाँ के है और किसके नाम से है। इस फोर व्हीलर वाहन बोलेरो गाड़ी के गियर बक्सा से पता चलेगा कि इस गाड़ी का स्पीड हाई रेंज क्या था। इस घटना को लेकर पूरा जांच पड़ताल चल रही है यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन और कई अन्य पदाधिकारियों द्वारा। चलते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए G2.0 के साथ इतना सा।